ओके, इट वाज अ फ्री फॉल इन द मार्केट, एकदम बुल का बुल निकट वो वाला चीज हो गया, गर्दा उड़ गया और आई वॉज बींग अ बुल टूडे। ठीक है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना और देखेंगे कल यानी 23rd ऑफ अक्टूबर को हाउ कैन वी ट्रेड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, कल एक्सपायरी होगा, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्यूटली फाइन। ओके, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका लेवल्स इतना एग्जैक्ट कैसे राइट होता है। देखिए, आज एग्जैक्टली लेवल्स राइट नहीं हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा दे आर विल बी डेज वेन यू विल बी प्रूव्ड एब्सोल्यूटली रॉन्ग, लेकिन हमें उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। मेरा लेवल क्या था, आप लोगों के साथ मैंने क्या शेयर किया था, आई विल बी बाइंग द मार्केट फ्रॉम 51,750। मार्केट 51,750 पे आया, एग्जैक्टली मार्केट पे एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला, कितना पॉइंट का, लगभग 260-70 पॉइंट का, लेकिन उसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर के आईसी से घूम गया। अच्छा ठीक है, अब इस तरह का सिचुएशन पे क्या करते हैं, दिस इज फॉर कम्युनिटी मेंबर्स आल्सो, दोनों तरफ का ही ट्रेड लेना चाहिए, जो जिस भी चले जो भी चलेगा वो आपको ज्यादा पैसा देगा। ये वाला ट्रेड भी मैंने लिया था, ये वाला ट्रेड भी मैंने लिया था, और उसके बाद जब ये हुआ तो इसको मुझे फोर्सफुली पोजीशन को काटना पड़ा और जाके ये एरिया के आसपास जाके मैंने आईसी को बुक कर लिया, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन इतना गिरना मार्केट से नहीं था, बट मार्केट रिएक्टेड समथिंग एल्स, मतलब उसने कुछ अलग कर दिया। ओके, आईसी में बहुत अच्छा ट्रेड बना, ये ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिला, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास काटना पड़ा, और लास्ट पे यहां से एक बार बाइंग प्रेशर आया, यहां से भी मैंने बाइंग किया, लेकिन ये फॉल को मैंने फिर से नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ ये और इसको ही पकड़ा, बस इतना। अब देखिए आप, 51,750 के आसपास से भी मार्केट ऊपर ना जा पाया, यहां से भी जा नहीं पाया, तो मतलब क्या है, लेवल्स प्रॉपरली रॉन्ग है, बट हमारे पास अलग अलग सेटअप था, इसलिए हम इसको काउंटर कर पाए और इसीलिए हम इम्प्रोवाइज कर पाए। इसीलिए हर एक मार्केट कंडीशन पे रेडी रहने के लिए यू नीड समथिंग इन योर आर्सेनल, ताकि कुछ भी साउथ साइड गया, कुछ भी नॉर्थ साइड गया, तो आपको वहां पे इंप्रोवाइज करके किसी और चीज पे, अगर यहां पे आईसी सेटअप नहीं रहता तो मैं ये ट्रेड को नहीं पकड़ पाता। डू यू अंडरस्टैंड, इस तरह से आपको रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि मार्केट हमेशा हमारे दिशा में जाएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते। लास्ट 7 दिन एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही किया जैसा हम सोच रहे थे, आज नहीं किया, तो इसके लिए तो वी कैनॉट क्राई ना। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मार्केट मूड इंडेक्स अब बहुत फेयरफुल हो चुका है। मार्केट मूड मतलब क्या, ये क्या बोल रहा है कि रिटेल बहुत डरे हुए हैं, मार्केट का मूड अब डरा हुआ है। अब जब जब एक्सट्रीम फेयर जाता है मार्केट में अच्छा बाइंग आता है, जब जब एक्सट्रीम ग्रीड जाता है मार्केट पे थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, दिस इज इनएविटेबल, ये होगा ही होगा। एक्सट्रीम फेयर बहुत कम देखने को मिलता है, एक्सट्रीम ग्रीड ज्यादा देखने को मिलता है, अब एक्सट्रीम फेयर में आ चुका है, तो ये जो 29 है 16 17 से लेके 29, ये लेवल बहुत बहुत ब्यूटीफुल लेवल है, तो हमें रेडी रहना चाहिए, कभी भी एक रैली आ सकता है, लेकिन कब कब का वो पॉसिबिलिटीज है वो पहले हमें ढूंढना है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और बैंक निफ्टी को देखना चालू करेंगे, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हमें यहां से एक इस तरह का चीजें देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन जोन जैसा है, ये एक एरिया हो सकता है। दूसरा एरिया अगर हम हॉरिजॉन्टल जोन की बात करते हैं, तो हमने क्या डिस्कस किया था, दिस विल बी अ गुड गुड डिमांड एरिया, यहां से मार्केट पे एक बार बाइंग आ सकता है 51,000 के आसपास से। अब कल को मार्केट का एक्सपायरी है, तो बहुत सारा प्लान यहां पे निकल के आ रहा है। 1 आवर का चार्ट अगर हम देखते हैं, तो मार्केट ऊपर से अच्छी तरीके से गिरा है, फिर ये एरिया के आसपास जा रहा है, यहां से फिर से एक बार बाइंग आ सकता है डिपेंडिंग ऑन सम सिचुएशन। जैसे 15 मिनट पे अगर हम जाएंगे और चीजों को समझेंगे तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, जस्ट सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, इसको मैं अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ तो दिस विल बी अराउंड लाइक दिस, ये एक जोन होगा, ये एक जोन होगा, ना कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, नो, दिस विल बी काइंड ऑफ अ जोन। ओके, तो ये हो गया। अब अगर कल को मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद, कल को अगर मार्केट जैसे क्लोज हुआ है आज अराउंड 51,257 पे, तो ये एरिया के आसपास क्लोज हुआ है, यही एरिया के आसपास क्लोज हुआ है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई वोंट बी शॉर्टिंग, में वेट कर लूंगा। क्यों वेट कर लूंगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और एक डिमांड एरिया जैसा भी है, यहाँ पे आने के बाद मुझे प्राइस एक्शन चाहिए होगा अपसाइड के लिए, मतलब हैट टाइम फ्रेम 15 मिनट पे एटलीस्ट कैरेक्टर पे चेंज, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे डबल कैरेक्टर पे चेंज होकर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स, या फिर मान के चलते यहाँ पे रेंज बना दिया, रुक रहा है, फिर लिक्विडिटी लेके गया, या फिर मान के चलते यहाँ पे आके मार्केट कोई ट्रेंड लाइन जैसा बनाया, लिक्विडिटी लेके फिर गया, कोई डब्ल्यू पैटर्न, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ भी मिलेगा, तो मैं ये एरिया से बाइंग कर सकता हूँ। कौन सा एरिया हो जाएगा, लगभग लगभग जस्ट अ मिनट 50,970 के आसपास में पकड़ के चलता हूँ, 50,970 के आसपास में पकड़ के चलता हूँ, 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक, ठीक है, ये एरिया के आसपास से। अब ये एरिया पे आते ही अगर 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होगा, आई वोंट बी बाइंग। क्यों आई वोंट बी बाइंग, बिकॉज मार्केट गिरा है ना, डायरेक्टली गिरा है, अच्छा खासा ट्रेंडिंग हमें दिख रहा है डाउन साइड के लिए। अगर ये एरिया के आसपास आके मैं फर्स्ट पुल बैक पे ले लूंगा, तो सेकंड पुल बैक हो सकता है इसको तोड़ दे, तो वहां पे मुझे दिक्कत आ जाएगा, तो एंड वी डू नॉट बाय और सेल ऑन द फर्स्ट पुल बैक, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड पुल बैक का वेट कर लूंगा, जो डब्ल्यू हो सकता है, बहुत सारा चीजें हो सकता है, यहां से उस तरह का सिचुएशन आएगा तो मैं बाइंग करने वाला हूं। ओके, अब अगर मान के चलते फ्लैट ओपन के मार्केट नीचे ना आते हुए मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ऑब्वियसली ये एरिया से तो एक बार शॉर्टिंग बनता है, ये इतना तो दिख ही रहा है, यहां से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं आफ्टर अ लिक्विडिटी ग्रैब, इफ देयर इज नो फ्रेश लिक्विडिटी एंड इफ देयर इज एन इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी, देन आई कैन ग्रैब फ्रॉम दिस एरिया ओनली, यहां से मैं एक बार शॉर्ट करके थोड़ा सा नीचे का टारगेट देके छोड़ सकता हूं। अगर उसके बाद, क्योंकि मैं
बुल ज्यादा बनने की कोशिश करूंगा, ऑब्वियसली आई एम बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट्स, अगर मैं करने की कोशिश करूंगा। पोर्टफोलियो देखिए नीचे आएगा ही, वो टाइम बेचने का नहीं और खरीदने का है, ठीक है। तो बात वही है कि आर यू बुलिश इन द मार्केट और नॉट। तो आई एम बुलिश इन द मार्केट, तो क्या होगा यहां से मैं शॉर्ट करने के बाद यहां तक का वेट नहीं करूंगा, हो सकता है मार्केट बीच में से ही घूम गया, मार्केट बीच में से ही घूम गया, तो शॉर्ट करने के बाद यहां से ऊपर अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है ये एरिया से शॉर्ट करने के बाद अगर प्राइस एक्शन आ गया तो मैं फिर से अपना पोजिशन काट के अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, जस्ट लाइक दिस कि यहां से मैंने बाई किया फिर से नीचे आ गया तो काट के मुझे थोड़ा बहुत ऐसी से ही मुझे शॉर्ट करना पड़ा था। अब यही वाला चीज़ है कि अगर मान के चलते मैंने यहाँ से शॉर्ट किया नीचे आया और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ले रहा है तो मैं यहाँ से पोजीशन काट के बाइंग साइड चला जाऊंगा और मेरा टारगेट कहीं ना कहीं 52,100 तक का हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, वो अपसाइड में, डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग, अपसाइड में इक्वल हाइज है, तो मार्केट बहुत जल्दी इक्वल हाइज को लेने जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबल अच्छा एरिया होगा यहाँ से अगर गया तो वन वे हमें डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट विल द स्टॉक्स रिकवर, इसके लिए वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर और नीचे का। अगर फ्लैट ओपनों के डायरेक्टली ऊपर चला जाता है इसको तोड़ के तो मतलब क्या कैरेक्टर पर चेंज है, मैं नीचे से फिर से बाइंग करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एकदम सिंपल, हम वहां पे एसएमटी को फॉलो करने वाले। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया से सेम टू सेम, अगर गैप डाउन ओपन होते ही पहला कैंडल ग्रीन आया उसके ऊपर निकला कुछ क्वांटिटी, प्राइस एक्शन आया गया कुछ और क्वांटिटी, पहला कैंडल डोजी टाइप का आ गया लिक्विडिटी हंट, पहला कैंडल खुलते ही नीचे की तरफ आ गया तो मैं बेयर ट्रैप पे एक बार देखने वाला हूं, और अगर पहला कैंडल के बाद मार्केट वो कंटिन्यूएशन पे कर रहा है आई वोंट बी शॉर्टिंग, मैं थोड़ा देखूंगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक बार सपोर्ट को देखने की कोशिश करूंगा। मतलब यहां से कल को अगर मार्केट और गिर गया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे मैं वहां पे रेडी नहीं रहूंगा क्योंकि आई एम नॉट शॉर्टिंग द मार्केट, मुझे उतना नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है, तो अगर होगा तो शायद वो मेरे समझ के परे होगा। बहुत चीज़ है जो हम नहीं जानते अभी भी, वो बहुत चीज़ है जो अभी तक हम रेडी नहीं है, तो वो वाला चीज़ मैं उतना पैसा नहीं बना पाऊंगा, वहां पे मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, मुझे नीचे से रिवर्सल पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, या फिर कोई प्राइस एक्शन आया तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो ठीक है, या फिर मान के चलते रेंज आया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ अपडेट करने वाला हूँ। कल एक्सपायरी होने वाला है तो अच्छा मज़ा आएगा, अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट फ्लैट ओपन होकर गिरता है और सेकंड हाफ में वो कवर करता है तो ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है, ह्यूज, उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगा कि फर्स्ट हाफ को मार्केट नीचे आए, सेकंड हाफ में रुक के सेकंड हाफ में लिक्विडिटी लेके निकले, तो जो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है वो वन वे देखने को मिल सकता है, उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। सबसे मज़ेदार सिचुएशन वही होगा, फर्स्ट हाफ थोड़ा ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, और सेकंड हाफ में हमें 50,970 के आसपास से कोई अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल गया तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगा 1:30-2 के बाद दैट विल बी समथिंग टू लुक आउट फॉर। लेकिन अगर नहीं आता है, क्यों, कब नहीं आने का चांसेस हाई बन जाएगा, अगर फर्स्ट हाफ में इस यहाँ से कोई रिएक्शन आके फिर से इसको तोड़ रहा है तो वो फिर शॉर्ट कवरिंग नहीं, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनना चालू हो जाएगा, वहां पे मैं कुछ शॉर्ट वगैरह कर सकता हूँ, बट रिएक्शन आने वाला है, इट इज इनएविटेबल, ओके। अच्छा, अब अगर गैप अप ओपन हो जाता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, सपोज ये स्विंग के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो मजा थोड़ा खराब हो सकता है, मैं वेट कर लूंगा थोड़ा सा पीडीसी के आसपास से एक बार बाइंग करने के लिए, या फिर ऊपर जाता है तो कोई प्राइस एक्शन आएगा तो देखूंगा, अदरवाइज कोई फ्रेश रेंज का मुझे देखना पड़ेगा, स्नाइपर्स इंटरनल जोन्स पे करना पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप अप पे आई विल बी इग्नोरिंग द मार्केट क्योंकि वो फिर ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका हुआ होगा, तो ये एरिया से एक बार शॉर्ट करके फिर नीचे से कवर करके अपसाइड का इक्वल लो हाइट तक एक बार देखना ही सबसे ज्यादा अकलमंदी दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं, निफ्टी में कौन सा एरियाज इंपॉर्टेंट होने वाला है। निफ्टी ऊपर में इंबैलेंस फेंक के जा रहा है, ऊपर में इंबैलेंस छोड़ के जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी निकलेगा निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग चीजें आ सकता है, अच्छा खासा फियरफुल फियर रिलीजिंग रैली आ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर कल को निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहां पे निफ्टी के पास एक अच्छा खासा हडल वाला एरिया है, कौन सा एरिया है, अच्छा खासा हडल वाला एरिया 220 के आसपास, 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक, ठीक है, 24,220 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा हडल वाला एरिया है। वन आवर का चार्ट अगर हम देखते हैं, वन आवर का चार्ट में वन वे फॉल मिला है, वन वे फॉल के बाद वन वे कवर भी कर सकता है वो, या फिर अगर नीचे से कोई प्राइस एक्शन आ गया और अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, तो 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 260-270 पॉइंट है, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है आई कैन नॉट शॉर्ट क्योंकि प्राइस एक्शन नहीं है, तो मेरे पास आरआर को रखने के लिए जगह नहीं होगा, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मान के चलते फ्लैट ओपन होके वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली 24,630 के आसपास से मैं एक बार निफ्टी को शॉर्ट कर सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लिक्विडिटी, अगर पहले बनाया तो इट कैन बी अ ग्रैब फॉर मी, अगर पहले नहीं बनाया आई विल कन्वर्ट द ओबी टू लिक्विडिटी एंड यहाँ से मैं एक बार शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके पहले आज का लो तक का टारगेट, उसके बाद प्राइस एक्शन आ गया तो नीचे से और पोजीशन ऐड करके 24,220 तक का एक बार टारगेट लेके चल सकता हूँ। अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होकर वो नीचे की तरफ डायरेक्टली आ रहा है तो मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा, अगर हाँ बीच में कोई रुक का और फिर प्राइस एक्शन बना तो कुछ क्वांटिटी शॉर्ट किया जा सकता है यहाँ तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ पे
एक बार बाइंग करने की मैं कोशिश करूंगा आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सम सेटअप्स। इसके नीचे गैप डाउन आई विल इग्नोर द मार्केट, अगर गैप अप ओपन हो रहा है इंबैलेंस इतना बड़ा आई विल इग्नोर द मार्केट। अगर बीच के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, अगर मान के चलते ये एरिया के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं वेट कर लूंगा ये एरिया से। ये एरिया से अगर कोई लिक्विडिटी ग्रैप मिला तो एक बार शॉर्ट करके डेलो का लिक्विडिटी से टारगेट या पीटीसी तक का टारगेट लेके यहाँ से घुमाया जा सकता है माल को, पोजिशन को, आई एम सो सॉरी। और इनकेस अगर गैप अप ओपन होने के बाद इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर देता है तो ऑब्वियसली दिस इज कैरेक्टर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है तो वो इमैच्योर रैली होने वाला है, वहाँ पे कुछ कम क्वांटिटी लेके इनबैलेंस तक टारगेट लेके चल सकता हूँ। और इनकेस अगर पोजिशन मतलब कैंडल क्लोज करने के बाद वो तुरंत नीचे आ रहा है, डेलो को तोड़ रहा है, डेलो को तोड़ने पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, पीडीसी से पूरा पोजिशन यहाँ से बाइंग साइड पे जाके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके इंबैलेंस तक का टारगेट लेके जा सकता है, जाया जा सकता है। और एक मैनिपुलेशन हो सकता है कि गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, कैरेक्टर चेंज है और फिर डेलो को तोड़ा, पीडीसी पे भी नहीं रुका और आज का पीडीएल को तोड़ रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी रेयर एंड दैट विल बी वेरी स्ट्रेंज। वहाँ पे मुझे स्टॉप लॉसेस जाएगा ही, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा और मैं तुरंत वहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, तब मार्केट 220 तक आने की कोशिश करेगा, यहां से पूरा पोजीशन को घुमाया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर किया था, आप लोगों को शायद याद है कि अगर मार्केट आज मान के चलते ऊपर जाके कोई भी रेंज बनाए और फिर तोड़ रहा है तो मजेदार आ सकता है, वो कल के लिए भी रेडी रहेगा अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, या फिर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे रेंज बना के फिर तोड़ रहा है, या फिर गैप अप ओपन हुआ और फिर थोड़ा रेंज बना दिया, रेंज बना के फिर तोड़ रहा है, कुछ रेंज को तोड़ रहा है 12:30-1 बजे के बाद, तो भी वहाँ पे वही सिचुएशन रहेगा, ह्यूज शॉर्ट कवर हमें देखने को मिल सकता है। वी हैव टू गेट रेडी फॉर इट, शॉर्ट कवर इज ऑन द वे, ऑन द कार्ड्स, ऑन द टेबल, शॉर्ट कवर इज कमिंग। कब आएगा, दैट इज समथिंग वी कैन नॉट से फॉर श्योर, बट इट इज कमिंग वेरी सून, अक्टूबर के महीने में ही हमें देखने को मिल सकता है, या तो एक्सपायरी या तो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में। तो वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड, और बहुत लोग बैठे हुए हैं मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट कवर आएगा ये सोच के, हो सकता है मंथली एक्सपायरी के 3 दिन पहले आ गया, वी कैन नॉट क्राई, क्योंकि मार्केट इज वेरी इंटेलिजेंट, जो लोग सोचते हैं उसका ऑपोजिट ही होने वाला है। अभी लोगों को पता है कि मंथली एक्सपायरी में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, हो सकता है कल को बड़ा मूवमेंट आ जाए एंड मंथली एक्सपायरी गोज यू नो वेरी वेरी लो, तो वी हैव टू गेट रेडी ऑन इट। ठीक है, कभी भी 12:30 बजे के बाद अगर बाइंग साइड में हमें ट्रेंड दिख गया, वी आई कैन नॉट मिस इट, स्टॉप लॉस जाएगा, आई एम हैप्पीली यू नो हैप्पी टू गिव द स्टॉप लॉस, बट आई वोंट मिस द शॉर्ट कवरिंग, आई विल ट्राई नॉट टू मिस द शॉर्ट कवरिंग। अब कुछ उनाप शनाप हो गया कि ट्रेड ही नहीं कर पाया वो अलग बात है, बट आई विल ट्राई टू कैच इट एंड आई विल टेल यू गाइज टू ऑल्सो कैच इट, क्योंकि एक शॉर्ट कवर रैली अगर आप पकड़ोगे, एक महीने का प्रॉफिट आपके जेब में आ गया, उससे आप रिस्क ले पाओगे और आपका साइकोलॉजी भी बढ़िया रहेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा अपडेट्स करता रहता हूँ। आज भी अपडेट किया था कि 590 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट 590 के आसपास से मार्केट जो ये एरिया था यहाँ से मार्केट पे थोड़ा छलांग आया, लेकिन 50-60 पॉइंट ही आया, मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर तोड़ दिया। सेम टू सेम सारा चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। याद रखिए, मैं भी गलत होने वाला हूँ, आप भी गलत होने वाला है, इंपॉर्टेंट है कि मैं जब गलत होऊंगा मैं कितना दूंगा, सही होऊंगा कितना लूंगा। अगर आप मेरे गलती के साथ हो तो मेरे सही के साथ भी रहिएगा, नहीं तो क्या होगा है ना, आप मेरे बुरे टाइम पे हो मेरे अच्छे टाइम पे नहीं हो, या फिर आप मेरे अच्छे टाइम पे हो बुरे टाइम पे नहीं हो, दोनों को ही आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू बी लॉयल विथ समवन, राइट? ओके, तो और साथ ही साथ प्रोग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, एडवांस मेंटरशिप, हर फ्राइडे हम लाइव करते हैं मेंबर्स के साथ, बहुत एडवांस कंटेंट से बहुत सारा चीज़ें है, गो एंड चेक दैट आउट, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। आज लाइव नहीं आ पाया बिकॉज आई वॉज एग्रेसिवली ट्रेडिंग, कल आने की जरूर कोशिश करूंगा।